OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो कि स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम या फिर परीक्षा लेने के लिए यूज़ की जाती है। जनरली OMR शीट का यूज़ एग्ज़ाम लेने के लिए ही किया जाता है। गाइस, अगर आपने किसी एग्ज़ाम को OMR शीट का यूज़ करके एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपके कम मार्क्स आते हैं, या फिर आप उस OMR को चैलेंज करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप OMR शीट डाउनलोड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है या फिर किसी अदर सेक्टर का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, अदर एग्ज़ाम को आपने कंडक्ट किया है, उसमें अगर आप अपनी OMR शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, आज इसका पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए शुरू करते हैं। OMR शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेटेड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम मेरिट टेस्ट की OMR शीट डाउनलोड करनी है, तो इसके लिए मैं नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आऊँगा। यहाँ पर आपको नीट लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप गूगल पर नीट लिख के सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट ntanit.nic.in पे क्लिक कर देना है। जिस भी डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन की आप OMR शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना है। ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके आपके एप्लीकेशन में दिया हुआ होता है। एप्लीकेशन आपका जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपका होता है। जैसे कि आप यहाँ पर नीट में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर और इसका पासवर्ड भी दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अपने केस में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम पहले रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है। तो जैसे हम यहाँ पर पासवर्ड दे रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैंडिडेट का पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। OMR शीट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा OMR चैलेंज का, तो यहाँ से आप अपनी OMR शीट को चैलेंज भी कर सकते हैं। आपकी OMR शीट में अगर आपको कोई डिफरेंस समझ में आता है या फिर आपको नंबर कम लगते हैं तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। आपको अपनी OMR शीट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे व्यू OMR पे क्लिक करना है। व्यू OMR पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू व्यू योर OMR शीट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने पॉपअप बॉक्स में आपकी OMR शीट देखने को मिल जाती है, तो इस OMR शीट को आप प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल पी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल पी का यूज़ करने के बाद आप इसे लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट मोड में जैसे भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं इसे पोर्ट्रेट मोड पे निकालना चाहता हूँ तो पोर्ट्रेट मोड पे मैंने यह सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप इसे प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी OMR शीट को बड़े ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे चैलेंज करने के लिए क्लिक हेयर फॉर OMR चैलेंज पर क्लिक करेंगे और इसे चैलेंज करने का एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। इसके बाद आपकी OMR शीट की जाँच की जाती है और आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जांच भी करवा सकते हैं। सो गाइस, इस प्रकार से आप अपनी OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, OMR शीट को चैलेंज कर सकते हैं। किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की OMR शीट को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आप उस एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट लॉगिन करेंगे और वहां से अपनी OMR शीट को डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि OMR शीट किस प्रकार से डाउनलोड की जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।